साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था। जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका काम देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा हुआ शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं।
और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है, और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है, और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें, और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई, और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए आश्चर्य है। हमने तो दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है, तो ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, और एक सूत्र में रहकर के लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है, मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ 1 लाइफ 1 मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता, उसका मन लालायित होना चाहिए। हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं,
कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं।